अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 5 नवंबर को चुनाव होना है। इसके साथ ही राष्ट्रपति पद की दौड़ का मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है। चुनाव में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अमेरिका के भीतर नवंबर महीने में होने वाले इस चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस भारी पड़ती दिख रही हैं। हालिया सर्वे के नतीजों में कमला हैरिस को कई प्रमुख राज्यों में आगे दिखाया गया है। इन राज्यों में अमेरिका के एरिजोना, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया जैसे राज्य शामिल हैं। 26 सितंबर को कमला हैरिस की जीत पर जहां औसतन 58% सट्टा लगा, तो वहीं ट्रंप की जीत पर औसतन 42% सट्टा लगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के साथ पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमला के शानदार प्रदर्शन और कई बड़ी हस्तियों के समर्थन के चलते कमला की स्थिति मजबूत हुई है, जिससे माना जा रहा है कि कमला हैरिस तेजी से आगे बढ़ रही हैं और वो अगली राष्ट्रपति बन सकती हैं। दरअसल अमेरिका में इस साल के अंत में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में दोनों उम्मीदवारों यानी कमला हैरिस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं अब सट्टा बाजार भी अपने दाम लगा रहा है। बाजार में हैरिस की जीत पर 52% का सट्टा लगा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप पर 47% का सट्टा लगा है। पिछले एक ही हफ्ते में कमला की जीत की संभावनाओं में 8% की बढ़ोतरी हुई है। यूमैस लोवेल के सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन और यूगव की तरफ से जारी ताज़ा पोल में ट्रंप के मुकाबले कमला हैरिस मिशिगन राज्य में बढ़त बनाती नजर आ रही हैं। इस राज्य में कमला हैरिस को 48% तो डोनाल्ड ट्रंप को 43% वोटों के साथ आगे दिखाया गया है। मिशिगन के अलावा पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप के मुकाबले हैरिस आगे चल रही हैं। पोल्स के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में दोनों नेताओं के बीच कड़ी टक्कर है। आने वाले दिनों में इस राज्य में मुकाबला और भी कड़ा हो सकता है। यूमेस लोवेल के प्रोफेसर रोड्रिगो कास्त्रो कॉर्नाजो ने इस पोल के नतीजों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये मार्जिन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि इस राज्य में अगर ट्रंप को बढ़त बनानी है तो उन्हें काफी मेहनत करनी होगी। अमेरिका पोल्स और सट्टा बाजार प्लेटफॉर्म के अनुमानों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में कमला हैरिस की जीत की संभावना 51% थी, जो 23 सितंबर को 8% बढ़कर 58% हो गई। वहीं पहले ट्रंप की जीत की संभावना 47% थी, जो अब घटकर 42% पर आ गई है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कराए जा रहे ओपिनियन पोल्स में भी कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ती नजर आ रही हैं। इसके साथ एनआरसी ने शिकागो विश्वविद्यालय में एक सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक एशियाई अमेरिकी मतदाताओं के बीच कमला हैरिस पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 38% अंकों से आगे हैं। सर्वे की माने तो अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में 66% एशियाई अमेरिकी मतदाता कमला हैरिस के पक्ष में हैं, जबकि 28% ट्रंप के समर्थन में वोट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए भी मतदान कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सर्वे में प्रेसिडेंशियल डिबेट का बहुत बड़ा असर पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा जुलाई में राष्ट्रपति पद के चुनाव की दौड़ से अपना नाम वापस लेने और उसके बाद कमला हैरिस के उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार ये सर्वे किया गया है। इसी बीच चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अहम घोषणा कर दी है। ये घोषणा उन्होंने 2028 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने को लेकर की है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूज प्रोग्राम फुल मेजर में कहा था कि उनकी जिंदगी का ये आखिरी चुनाव है। अगर वो इस चुनाव में हार जाते हैं तो वो 2028 के चुनाव में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। अगर ट्रंप 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल होते भी हैं तो उस वक्त उनकी उम्र 82 साल होगी। फिलहाल अमेरिका में कमला हैरिस का पलड़ा भारी है। सर्वे रिपोर्ट्स की माने तो कमला हैरिस के पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कमला ने सच में बाजी मार ली है? क्या एशियाई अमेरिकी मतदाताओं के बीच कमला बनेंगी पहली महिला राष्ट्रपति? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।